हर हर महादेव। जय शिव शंभु, भोले शंकर, जय भोले शंकर। ये ओम पर्वत देखना मेरे लिए एक कल्पना थी। मैं सोचता था कभी मैं ओम पर्वत देखने जाऊंगा, लेकिन सौभाग्य का दिन मेरे लिए वो दिन आज है जिस दिन मैं आज ये ओम पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। और ये काफ़ी खूबसूरत रमणीय स्थल है। सरकार ने चाहिए यहाँ पर कुछ पर्यटक व्यवसाय गतिविधियाँ लागू करे जिससे स्थानीय लोगों को भी काफ़ी रोजगार मिलेगा। वैसे ये सीमांत क्षेत्र है, अपेक्षित रहता है, लेकिन सरकार अगर प्रयास करे टूरिस्ट यहाँ आए तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी काफ़ी आर्थिक सुधार का हो सकेगा। देखिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ओम पर्वत पे जब मैं आया हूँ, और मुझे बहुत ही अद्भुत एक बहुत नज़ारा बेहतरीन लग रहा है। चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, साक्षात ओम पर्वत के दर्शन हो गए, खिली हुई धूप है, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इस जगह को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं चीन सीमा से सटे नाभीढांग में। ये इलाका पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो चारों तरफ वादियां हैं, काफ़ी विहंगम नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो चोटियां हैं वो पूरी तरह बर्फ से लगदग है, और मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, बर्फीली हवाएं यहाँ पे चल रही हैं। इसके बावजूद पर्यटक यहाँ दूर दूर से इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार करने के लिए खींचे चले आए हैं। नाभीढांग से मैं मयंक जोशी, ईटीवी भारत।